हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा यूट्यूब पर पहला व्लॉग है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं ब्रेड की कुरकुरी पकौड़ी। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड की कुरकुरी पकौड़ी बनाने के लिए 6 ब्रेड ली है। अब हम इन ब्रेड्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे और फिर इसमें हाफ ग्लास वाटर ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम इसे भिगो कर रख देंगे। जब तक हमारी ब्रेड भीगती है तब तक मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं और 2-3 मिर्च कट की हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। पर आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड भीगकर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर 4 सर्विंग स्पून बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून धनिया लिया है और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है। ये जो हमने सॉफ्ट ब्रेड ली थी इसमें अब हम हमारा जो बेसन लिया था वो डाल देंगे। बेसन डालने के बाद में हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे जो हमने काटी थी, उसके बाद में हम इसमें हमारी कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज डालने के बाद में हम इसमें जो धनिया लिया था वो डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद में मैंने जो भी आप लोगों को मसाला दिखाया था, जो बनाया था जिसमें नमक मिर्च और ये सब था, इन सारे मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया था, वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें हमारी पकौड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम पर ही रखें, इससे हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई होंगी। और यहाँ पर ऐसे मैं मेरी सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और आप इसे सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे कुकिंग करना पसंद है और मैं आप सब लोगों के लिए कुकिंग वीडियोस लेकर आना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। साथ ही साथ में मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाना चाहती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुकिंग वीडियोस लेकर आऊँ, आप लोगों के लिए कुछ और वीडियोस लेके आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा कनेक्शन फील हो या फिर आगे आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।